और इतने सारे पैसे आज वीडियोस से अर्निंग हुए हैं जो कि देख सकते हैं, बता नहीं सकता मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। और आज अब हम लोग थोड़ा पीले पीले टाइप के दिख रहे होंगे क्योंकि कैमरा आज इनके फोन का यूज हो रहा है। अच्छा। लेकिन इसके फोन के कैमरे में नेचुरलिटी है। और दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ कहाँ, आजमगढ़ अपना गिटार लेने। ना जा रहा हूँ अपना अकॉस्टिक गिटार वापस लाने के लिए। तो सर भाई यहाँ रखा गया है, मैंने छोड़ रखा था, अब स्टूडियो में ज़रूरत पड़ेगी गिटार की, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। और आज मेरे आज है प्रॉमिस डे, तो दोस्तों आज अपन को चाहिए होगा इससे बहुत ज़्यादा, मतलब इतने सारे प्रॉमिस मुझे चाहिए। कौन कौन सा प्रॉमिस चाहिए? आता हूँ वापस तब लेता हूँ प्रॉमिस, जाके आता हूँ दोस्तों फिर मैं। तो मैं आ चुका हूँ मार्केट में, आज एक न्यूज़ देना है आप लोगों को कि आज हमारे म्यूजिक चैनल से यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई है, देखते हैं कितना आई है चल के। अब निकालता हूँ, निकालने के बाद घर चलता हूँ, पहले ये काम करता हूँ दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के बीच में आता हूँ। सरप्राइज रहेगा आज उसके लिए भी, क्योंकि अभी तक हम लोग इतना वर्क किए हैं। मेरी बाइक इधर है और ये ऊपर पर बैंक है, जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, ऊपर बैंक है, मैं दिखा दे रहा हूँ देखिए। बट यहाँ पे नहीं, मार्केट में गया था, तो अभी तो जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है, मतलब कितनी तक आई है। इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सही बताऊँ तो आज जो है लगा है कि थोड़ी बहुत मेहनत जो है हम लोगों की काम लाई है। तो म्यूज़िक वाले चैनल पे दोस्तों स्टार्ट हो चुका है अब, और बाकी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे इस चैनल पे भी जो है बहुत जल्द हम लोग, हमारा ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में कि YouTube से पैसे अगर कमाने हैं तो क्या रूल होना चाहिए और कैसे। डिटेल थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन आप लोग अगर मिस नहीं करेंगे तो पक्का इस बात की गारंटी कि आप लोग अगर स्टार्टिंग यूट्यूबर हैं या फिर आप लोग YouTube पे वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, क्या रूल हो, क्या उसके रूटीन्स हो, सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज घर पहुँच के पहले जाता हूँ, निकालता हूँ, और आज कितना खुशी का टाइम है जब वो उसके सामने निकालूँगा, लेके चलूँगा घर पे, देखता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों घर पे, और बताता हूँ आज मैं आप लोगों को कि YouTube से अगर पैसे कमाने हैं तो फिर क्या करना चाहिए और किस तरह से वर्क करना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए वीडियो अपलोड करने का, सब कुछ A to Z मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग रहेगी दोस्तों, लेकिन आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं सरप्राइज लेके। अभी अभी आया हूँ घर पे दोस्तों, और एक सीक्रेट था जो आप लोगों के बीच में अब तक छुपा के रखा था हमने, और वो सीक्रेट था दोस्तों ये देखिए, आज हमारे म्यूजिक वाले चैनल से जो है पेमेंट आई है, फर्स्ट पेमेंट आई है, जो कि 25 के लगभग है। यार गिना, इस गिना कोई जान ही नहीं पाएगा कितना है कितना है। तुम चुप रहो। तो दोस्तों आज म्यूजिक वाले चैनल से जो है पेमेंट आई है, तो दोस्तों ये था। अभी आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हमारे इस चैनल पे भी जो है हमारी वीडियोस से जो है पैसे आने स्टार्ट जाएंगे दोस्तों, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच इसके लिए, इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया, और जितना सपोर्ट आप लोगों ने म्यूजिक वाले चैनल पर किया अब तक, अब उतना ही सपोर्ट आप लोग हमारे इस वीडियोज़ पर करिए ताकि हम लोग जल्द से जल्द सक्सेस हों। और इस टाइम के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। अभी मिलते हैं कुछ टाइम में, थोड़ा जा रहा हूँ कुछ, आज केक वोक आएगा, पार्टी होगी तो केक लेके आता हूँ, तब पार्टी करते हैं दोस्तों। और इतने सारे पैसे आज वीडियोस से अर्निंग हुए हैं जो कि देख सकते हैं, बता नहीं सकता मैं। क्या जी खुश हो? हाँ बहुत ज़्यादा। कहाँ खुशी है तुम्हारी, मुझे दिखाओ। लो पैसा पकड़ो, पैसा ले जाओ अंदर, रखो लो सब, रखो अच्छे, संभाल के आता हूँ मैं, आता हूँ मार्केट से दोस्तों अभी, केक लेके, तब फिर मिलते हैं वीडियो में।
मम्मी भी इधर सोच रही है। दोस्तों अभी भी जस्ट घर पे पहुंच गया हूँ और आपने देखा कितनी खुश है, अभी रूम में बैठा हूँ। गया था मार्केट चॉकलेटी फ्लेवर केक लाने के लिए, पर दोस्तों केक चॉकलेटी फ्लेवर में था ही नहीं, इसलिए नहीं लिया हूँ। गर्मा गर्म समोसे अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, यार डब्बा थोड़ा धुल लेते, यार एकदम गंदा डब्बा है। गरे यार, तो गंदा नहीं है डब्बा, क्या है ये? मम्मी धुली है, ये धुला हुआ है। देखिए दोस्तों कितना कचरा है, ये देखिए कहाँ कचरा जी, ये देखो देख लो ये क्या है ये। हाँ तो ये ऊपर से लग गया होगा, अंदर थोड़ी गंदा है। अंदर तो ये ऊपर से लग गया होगा, अंदर थोड़ी गंदा है। अंदर नहीं गंदा, अंदर नहीं गंदा, नहीं। अच्छा अच्छा चलो, तो ढंग से पहुंच देना। और ये दोस्तों देखिए मार्केट से मैंने लिया है, ये खारी की तरह है। आओ कितना अच्छा लग रहा है देखने में, जल्दी चलो कल से चाय के साथ में इसको, कल से दिमाग से नहीं खा सकते हैं। शाम को चाय बनाना तो उसके साथ लिया जाएगा जरूरी। अरे इसको रखी होती बाद में। और इसमें देखो और कुछ भी है, क्या है? खजूरों का राजा है खजूरी। खजूरों का राजा है खजूरी। खजूर लिया हूँ, खा के टेस्ट करके लिया, बहुत टेस्टी लगा है। तब तो मुझे बताई क्यों नहीं, मेरे लिए लाया क्या? और क्या नहीं? अरे मान लो 25,000 अगर लगभग आया है तो उसमें से 500-600 रुपया तुम्हारे लिए खर्च होगा, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो इन सब चीजें टेस्टी है कि नहीं? ऐसे कैसे नहीं है टेस्टी? तब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, खराब लग रहा है क्या? मैं तो बोल रही हूँ, तो तीन बार पूछा तुम बताई नहीं, तभी तो मुझे लगा कि एकदम खराब है क्या। जिम्मी खाएगी अपने? हाँ क्यों नहीं खाएगी, इसको खिला दीजिएगा, उसके लिए रहने दो। चलो पहले प्लेट में समोसा निकालो और इसको एक डब्बा लाओ छोटा सा, वाइल पकड़ो थोड़ा, इसको खोलूं, थोड़ा खोल के निकालूं खाऊं, मुझे अच्छी लगती है खजूर। तो खाइए, क्वालिटी फुल। मुझे नहीं अच्छी लगती है, रूम में मत फेंकिए। देखिए दोस्तों हाथ से ही दबा के मैंने इसका पील पीला कर दिया, लेकिन कमाल और कितनी स्वाप है, मुझे लगा कि स्वाप नहीं साफ। इधर दिखाओ, अगर साफ को हिंदी में बोलना हो स्वाप, कितनी साफ है, साफ साफ, ठीक है। एक और खा लूं क्या? हाँ? एक तो क्या, सब खाइए। गजब को हिंदी में गजब, गजब तो ये तो मुस्लिम वर्ड होगा, पास लाओ। गजब को अगर इंग्लिश में बोलना हो गजब। गजब गजब ड्रिंकिंग के गजब। अरे तो गजब, जब सब जैसे बोल रहे हैं आप इतना। क्या आपके टूथपेस्ट में ग्लूकोन डी है? नमक है? क्या आपके कुरकुरे में ग्लूकोन डी है? खाओ चलो, गनवा एक बार गा के सुना देते। मैं लिरिक्स बता रहा हूँ, हो जा आमाला पागल। अच्छे से गाओ थोड़ा सा, पागला दीवाना हो रब्बा, यही थी सी बात न जाना, के ओह मैंनू प्यार कर दी है। हाय हाय हाय, चलो गाओ फिर से गाओ। ओ जट अमला है, ओ जट अमला हा पागला दीवाना, यही थी सी बात न जाना। फिर से गाओ अच्छे से, नहीं याद है। यही बता दिया इतनी बात, चलो गाओ फट से। हो जाट आमाला पागला दीवाना हो रब्बा, यही थी सी बात ना जाना, ओह मैंने प्यार कर दी है। हट हट मरती है, चलो फिर से गाओ अच्छे से। बस इतना हो गया, वो गाना नहीं तुम गाए, गाओ उसमें रहो। मुझे गाना याद है, नहीं है। गाओ गाओ यही गाना है, चलो हो जाट आमाला पागला दीवाना हो रब्बा, यही थी सी बात ना जाना।
प्यार करती है, सच मुझे मारती है, गाना नहीं मुझे याद है दोस्तों। अब यही झापड़ खाने वाला काम कर रही हो? याद नहीं है ना, मैं गाता कर उनका सुनाएंगे, साथ में गाएंगे तब मैं गा लूंगी। मैं अकेले नहीं गा पाती, तो कोई गाता है ब्लूटूथ लगा के गाओगी? अगर सुन रहे होंगे तो ऐसा कुछ नहीं भैया, हम लोग मजाक मतलब मजा नहीं ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह में भी आप लगाए थे, दो से तीन दफा सुने, रात में तो इतनी बार सुने हैं कि पूछे ही मत। आपको भी एंजॉय किए। तो बताओ आज फर्स्ट पेमेंट आई, खुश हो? हाँ मैं तो रोज खुश रहती हूँ। तुम सोच रहे हो कि पैसा मुझे मेरे काम तो आएगा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, तो सबके काम आएगा। लेकिन तुम्हें मैं बता दूं सही बात, मैं सामने आके बताऊंगा, ठीक है? अभी आता हूँ। तो दोस्तों आप भी जो मैंने आप लोगों को दिखाया, हमारी पेमेंट जो फर्स्ट टाइम आई है, तो आज है प्रॉमिस डे, ठीक है? और तो आज के दिन कुछ प्रॉमिस करिए। हाँ मैं प्रॉमिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी जो है चेहरे पे उतना दिख नहीं रही है। तो क्या हम चिल्लाऊं? हाँ चिल्लाओ, ढिंढोरा पीटो। ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हाँ ये बात भी है, सही बात है। सीक्रेट मेरे व्यूवर्स जान जाएं वही बहुत है कि नहीं? तो आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो जो 25 के तक पैसे आए हैं, उस पैसे से हमारी जिस दिन सीरियस बात कर रहा हूँ तो मस्ती मत करो, तो आप लोगों के सामने आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज प्रॉमिस डे के दिन सीधे देखिए वीडियो में, तिरछा ऐसे क्यों देखते हैं? अच्छा ऐसे देखें, कुछ टाइम वीडियो में भी देखा करिए। तो क्या मैं बोल रहा था, आज मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या एक डायमंड रिंग बनवाऊंगा। वो डायमंड रिंग 2 मई को मैं तुम्हें दूंगा, पर मैं आपको कुछ नहीं दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम साथ रहोगे ना? हाँ उतना तो कर सकते। उतना करो बस, उतना बहुत है। बट मैंने जो प्रॉमिस किया है आप सबके सामने, और 2 मई का इंतज़ार करिए आप लोग, 2 मई को पक्का उसको सही जगह से लेना है, क्योंकि आज के टाइम में बड़ा झोलझाल भी चलता है। गोल्ड में रहेगी, ठीक है? एकदम पतली सी, बस एक डायमंड रहनी चाहिए, चौड़ी नहीं, क्योंकि मैं उतना पहनती नहीं। नहीं तो सिंगल डायमंड रहेगा इसमें इतना बड़ा, ठीक है? अरे थोड़ा छोटा, एकदम छोटा सा है। नहीं एकदम छोटा भी नहीं रहेगा। अरे रहे कम से कम 30 से 35 के बीच की रहेगी, तब अच्छा लगेगा थोड़ा दिखने में। हाँ ठीक है, तो आज अपन प्रॉमिस डे के दिन यही प्रॉमिस करते हैं बस। कम है वो तो पैसों से, पैसा मतलब पैसों से लेने वाली चीज थोड़ी प्रॉमिस करते हैं, वो तो देंगे। पैसों से लेने वाली प्रॉमिस नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? नहीं तो मैं अपने मन से दे रहा हूँ। हाँ तो लगे है। तो प्रॉमिस क्या चाहिए बता दो, जो तुमको चाहिए प्रॉमिस, फिर वही प्रॉमिस कर दूँ। जल्दी बोलो। प्रॉमिस यही चाहिए बस, आप हमेशा ऐसे रहिएगा जैसे इस टाइम है वैसे हमेशा। तो ठीक है देखो मैं इस टाइम ऐसा हूँ, ऐसा ही रहूँगा हमेशा। ऐसा नहीं मैम, व्यवहार जैसा है मेरे साथ जैसे रहते हैं वैसे रहना है, थोड़ी ना कि ऐसा हूँ फिर थोड़ी ना दिखाना। तब वापस करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, और तुम भी मुझे प्रॉमिस करो फिर। हाँ यही प्रॉमिस मैं भी करूँगी, और क्या, और तो मैं आपको कुछ दे भी नहीं पाऊँगी। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है? आप मुझे डायमंड करेंगे? हाँ मैं सोच रही हूँ। नहीं तुम मत सोचो, मैं लूंगा नहीं, क्योंकि जो भी लूंगा मैं अपने हिसाब से लूंगा, ठीक है? तो इसीलिए तो, क्योंकि मुझे ज़्यादा महंगी चीज़ें पसंद नहीं है, शुरू से मेरी क्लियर थी यही है, मैं चीज़ें अच्छी देखता हूँ, महंगी सस्ती नहीं देखता। तो और हर कोई यही सोचता है कि जो भी चीज़ हम लेते हैं वो कम से कम में मिल जाए,
मिडिल क्लास में तो ज़्यादातर यही है, हम लोग मिडिल क्लास से हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब पैसा ज़्यादा लगता है तो उनके हिसाब से कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ पहनता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं, आज का दौर चल रहा है पैसा जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही ज़्यादा, कभी लिमिट ख़त्म ही नहीं होती है। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी जैसे है, जैसे सब लोग कहते हैं मिडिल क्लास के लिए हम इतना कर लिए। पहले कुछ लोग होते हैं फ़ोन फ़ोन करेंगे या फिर कोई भी होगा है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो, तो पहले बताएगा अरे मतलब कहीं पे भी जैसे घर का हो मेरे चाहे कोई भी हो, पहले अगर कोई कुछ लेता है तो पहले बताता अरे हम इतना कर ले सामान, पहले दाम उसके बाद काम बताते नहीं तो अपन लोग किसी को नहीं बताएंगे। मैंने तो इसलिए बता दिया भाई क्योंकि फर्स्ट टाइम यूट्यूब से कमाई हुई है तो पहले सस्ती सामान सबसे अच्छी रहती है। नहीं नहीं सब सस्ती सामान अच्छी नहीं होती, सस्ती महंगी नहीं देखना चाहिए, चीज़ की क्वालिटी देखना चाहिए, क्वालिटी अच्छी हो तो फिर उसका रेट जो भी हो कभी कभी तो कम पैसों में भी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है, ऐसी बात नहीं है, और कभी कभी ज़्यादा पैसे लगा के चीज़ें ख़राब मिल जाती हैं, तो इसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं सर। और मिडिल क्लास के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जैसे कि हमारी है तो सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है, एक एक रुपये जो है सोच समझ के उठाने पड़ते हैं। और मैंने आप लोगों को आज बताया स्टार्टिंग में कि YouTube से पैसे कमाने कैसे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप जिस दिन अपना YouTube चैनल क्रिएट करेंगे उसी दिन से कंटिन्यू उस पे वर्क करना, उस दिन से। और आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, अगर आपका शॉर्ट वीडियो का है कलेक्शन, मतलब कैटेगरी आप अगर शॉर्ट वीडियो चूज कर रहे हैं अपने चैनल के लिए, तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करना होगा। कोई ऐसा रूल नहीं है लेकिन जैसे करना पड़ता है ना, लोग बोलते हैं सक्सेस के लिए उससे YouTube आपका चैनल जो है 1 साल के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा पक्का। मेरा जो म्यूजिक वाला चैनल है ये पहले शॉर्ट वीडियो का ही चैनल था और शॉर्ट से ही मोनेटाइज हुआ है बाद में मैंने इसको दवा नहीं बाद में मैंने इस चैनल को अक्टूबर में 19 अक्टूबर को म्यूजिक चैनल के मतलब म्यूजिक चैनल में इसको कन्वर्ट कर दिया, उससे थोड़ा सा मेरा बीआर सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे थोड़ा सा डाउन ना थोड़ा सा क्या बहुत हो गया क्योंकि उस चैनल पे मेरे व्यूवर्स शॉर्ट वीडियोस के थे, उस हिसाब से जो भी हुआ तो पीछे का और अब ये अभी जो म्यूजिक चैनल का सब मिला जुला के हुआ है, मैं अपना जो मेरा मतलब मेरे चैनल पे जो हुआ है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी अगर आप एक बार अपनी कैटेगरी चॉइस कर लें चैनल में तो कभी भी उसको चेंज ना करें, जो कैटेगरी हो स्टार्टिंग से वही रहने दें, उससे आपका फ़ायदा रहेगा। और अगर रेगुलर आप काम करेंगे वीडियो सुबह दोपहर शाम शॉर्ट वीडियो की होती है, और अगर आप ब्लॉग का चैनल बना रहे हैं और आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं जैसे कि हम लोग, तो ब्लॉग के लिए दोस्तों 3 दिन पे या 2 दिन पे 1 वीडियो का ये रूटीन बनाइए पर डे का। अगर आप बना रहे हैं पर डे वीडियो बना रहे हैं तो आप इतना नोट कर लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, दिमाग में नोट करिए। इनका कान का झोल बंद हो जाता है। इनका कान का झोल बंद हो जाता है। एक चीज का हमेशा ध्यान देना है कि अगर आप ब्लॉग में पर डे का अगर आप रूल बना रहे हैं तो आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपनी वीडियोस पहले से रिकॉर्ड कर लें बाद में चैनल स्टार्ट करें, ये आपके लिए आप चालाकी कर सकते हैं, लेकिन कितने दिन करेंगे आप बहुत करेंगे आप 50 वीडियो रिकॉर्ड करके पहले से रखे रहेंगे। हाँ लेकिन ये चीज़ हो सकता है कि उस 50 वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करके रख लिए हैं और आप स्टार्ट कर रहे हैं पर डे डालना, तो जिस दिन आप बीच में दिन भर जो आप फ्री रहते हैं वो वीडियो भी रिकॉर्ड करके बनाते रहिए ताकि आगे के लिए अगर रुक जाएंगे। हम लोगों का क्या हुआ, हम लोग स्टार्ट किए आपके सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल पे, ये बादल रूपम ब्लॉग्स जो है हमारा चैनल, इस पे क्या हुआ कि हम लोग पढ़ने का रूटीन बनाए थे, उधर थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस आ रहा था दोस्तों, लेकिन बीच में जो है इस टाइम तो बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं, मेरे काम की वजह से और कुछ और बातें ऐसी थी, बीच में तबीयत भी मेरी ख़राब थी, कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से मैं जो है वर्क प्रॉपर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वीडियोस बहुत ज़्यादा रुकी थी बीच में। हालांकि हम लोग उस बीच में शॉर्ट वीडियो अपलोड करते थे लेकिन
उससे उससे भी रिस्पांस अच्छा ही मिल रहा है। रिस्पांस अच्छा मिला लेकिन हमारे ब्लॉग वीडियोस के लिए रिस्पांस अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियो डालने लगे और चैनल हमारा शॉर्ट के फेवर में जाने लग गया। तो कोई भी चैनल आप बनाएं, म्यूजिक हो, शॉर्ट का हो, कॉमेडी, फनी, इंटरटेनमेंट, कुछ भी हो, बस इतना ध्यान देना है कि आप जो भी वीडियोस बनाएं, अगर आप रूटीन पर डे का बना लिए तो आपको पर डे वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। और दो दिन पे अगर वीडियो का कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, मेरे हिसाब से दो दिन पे एक वीडियो यही करना चाहिए। अगर ब्लॉग ब्लॉग वीडियो होता है पर डे करेंगे तो अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है, उससे तो आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने के अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, फुल गारंटी है। लेकिन मेहनत करेंगे तब ना। लेकिन उसके लिए आप केवल YouTube पे एक्टिवेट रहना पड़ेगा, आप दूसरा कोई काम नहीं कर पाएंगे, इस बात की गारंटी है। जैसे कि मैं म्यूज़िक चैनल पे ध्यान देने लगता हूँ, अभी बीच में 2-3 दिन गैपिंग हुई है इसके पहले, तो उससे क्या हुआ, म्यूज़िक बनाने में पूरा टाइम निकल जाता है। अभी इसकी वजह से जो है दिन भी निकलता है, रात में भी, नाइट में भी काम करते हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे, अगर YouTube पे आप काम करें तो जो भी रूटीन बनाएं उसको आप स्टार्ट रखें, कभी उसको कंटिन्यू ही रखें, कभी भी चेंज ना करें। तो गारंटी इस बात की है, जिस तरह से हमारी पेमेंट आई है आपकी भी पेमेंट बहुत जल्दी आएगी, ऐसे करिए ना। और कल से हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं उस गाने को सुन सुन के, कमाल, बहुत अच्छा लग रहा है। सही में यार, ऐसा नहीं है कि हम लोग मजा ले रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा, मजा लेने का ऑप्शन ही नहीं है, मजा लेने वाली बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इंजॉय की। इतना मजा आ रहा है ना सही में, एकदम वीर रस है एकदम पूरा उस गाने में, समझ लिया। और क्या, और कुछ बताने वाले थे ना, बस एक तो प्रॉमिस वही कर रही हो तुम। हाँ। मुझे प्रॉमिस है कि तुम मुझसे पूछे बिना, वो तो मैं कभी नहीं करती हूँ, तुम मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी, ये सब प्रॉमिस है ना, तो ये सब तो मैं कितना उल्टा तुम सोचती हो। मुझसे पूछे बिना वो तो मैं कभी नहीं करती हूँ, तुम मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी, ये सब प्रॉमिस है ना, तो ये सब तो मैं कितना उल्टा तुम सोचती हो। कितना उल्टा तुम सोचती हो। अभी मैं उससे मेरी आवाज भी, तब तक इसको तुमको कैसे पता कि मैं ये सब पूछने वाला हूँ। मुझे पता चल गया ना, तुम मुझसे पूछे भी ना तो आगे यही हो सकता है। अरे भगवान, मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझसे पूछे बिना कुछ भी कर सकती हो। प्रॉमिस कुछ नहीं करते हैं, इसलिए हमें प्रॉमिस देते हैं। अगर हम अपने मन से भी लगेंगे करने तब कहेंगे अरे मुझसे भी नहीं पूछती है नहीं तो आज तब तो तुम फेल कर दी, तब जाने दो। मैं तो आज यही तुमसे प्रॉमिस लेने वाला था कि तुम मुझसे पीछे भी पूछे बिना कुछ भी कर सकती हो। हाँ। मतलब कहीं भी आ जा सकती हो। हाँ। तो ठीक में आ रही हूँ। अब कहाँ तो तुम, अब तो फेल कर दी ना, तुम पहले बात काट दी दो तो आप लोग कमेंट करिएगा सही बात है कि नहीं, बात काट दिया जिन्हें तो फिर कहाँ। काटी नहीं हूँ, बिल्कुल सही बोली हूँ, और आप वही प्रॉमिस करने जा रहे थे जब मैं बोल ली तो बात घुमा दी। ऐसा नहीं है, वही है। गलत बात नहीं, मैं गलत नहीं बोलती, ठीक है। यार मैं बोला भी नहीं, तुमको कैसे पता चल गया, मैं वही कहने जा रहा था, कहने जा रहे थे तो जब मैं तुमसे प्रॉमिस लिया तो तुम बोले कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, पूछे कहीं नहीं जा सकती, मुझसे बिना पूछे तुम कुछ भी कर सकती हो, यही प्रॉमिस करो, ठीक है आपके साथ। अरे तो तुम ही तो अभी अभी तो तुम बतिया काट दी ना मेरी, अब मैं दूसरा प्रॉमिस लेता हूँ, तुम मुझसे पूछे बिना, अब मैं क्या पूछने बोलने वाला हूँ, प्रॉमिस लेने वाला हूँ, बता दो। अभी यही सब फिर से कहेंगे, बताओ तुम, तो मुझसे पूछे बिना अपने घर जा सकती हो। नहीं कहें, तुम मुझसे पूछे बिना क्या, तुम मुझसे पूछे बिना जब चाहो तब तुम मोबाइल चला सकती हो, नहीं देख सकती हो। ठीक है, आज तुम ये प्रॉमिस कर दो, इसके लिए तो मैं आपसे कभी नहीं पूछती। तो आज क्या पूछूंगी अब,
दिखा रहा था ये कोई पूछ के थोड़ी ना करता कि मैं जाऊँ कपड़ा धो लूँ, मैं टीवी देख लूँ, थोड़ा सा मोबाइल चला लूँ, कोई पूछता वही पूछता बोले एकदम मूर्ख हो गया। जब चाहो तब अरे प्रॉमिस लेना है तो कुछ अच्छी प्रॉमिस ले लेना। तुम मुझसे पूछे बिना मीशो से कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। हाँ थैंक यू इसके लिए। ठीक है चलो आज यही कर लो। ठीक है कंग्रेचुलेशंस। आई थैंक यू तेज नहीं बोलोगी? नो एक बार गाना गा दो। नहीं एक बार हो गया ना। मैंने सोच के हंस रही हो। तो दोस्तों आज मेरा फेसबुक सूज गया है क्या? मनी मन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी है, खुशी भी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए। और आज देखा आप लोगों ने कितने टाइप के प्रॉमिस किए। ये तुम मुझसे पूछे बिना कभी भी ऐसे कर सकती हो? जीवन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जब चाहूंगा तब तुम्हें अब उठा उठा के पटकूंगा। वीडियो को तुम देख के तुम फायदा उठा रहे हो, मैं सबके सामने मार नहीं सकता लेकिन आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ वीडियो में बिना पूछे जब मन करेगा तब तुमको। अरे वो प्रॉमिस मैं आपको दे सकती हूँ। मैं कर दिया है अब, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये प्रॉमिस, मैं कर दिया तुम्हें। मुझे बस प्रॉमिस चाहिए बस। क्योंकि ठीक है ठीक है क्योंकि इनके इनको ऐसे करने में बहुत मजा आता है। अगर तो दोस्तों आज की वीडियो ही मूव करेंगे क्योंकि अभी देखिए दिन के क्या बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 2:15 से ऊपर हो गया। अभी एक होली का गीत आने वाला है। कौन सा? पापा का, पापा ने गायकी की है, उन्हीं की कंपोजिंग है। होली का गीत जो रात में कर रहे थे वो होली की गीत है? हाँ शंकर भगवान सज धज के जाते हैं, भगवान कृष्ण को देखने उसी के ऊपर है। तो पार्ट 1 उसका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 करना है। 3 पार्ट में बहुत बड़ा है क्या? 3 पार्ट में है वो गाना। भोजपुरी में लोग बोलते हैं चैता टाइप का है, उसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों जा रहा हूँ कंप्लीट करने। आज की वीडियो ही मूव करते हैं, मिलते हैं दोस्तों दूसरी वीडियो में नए मोमेंट के साथ। आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू सॉरी।